कश्मीर घाटी के जिला शोपिया में मकामी कश्मीरी पंडितों द्वारा कपल मोचन शिव मंदिर में पूजा अर्चना की गई। आपको बता दें कि यहाँ जुलाई के महीने में बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें हजारों की तादाद में देश और विदेश से कश्मीरी श्रद्धालु आते हैं और ये मेला 3 दिनों तक चलता है। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण श्रद्धालुओं की संख्या इस बार बहुत कम दिखी। दर्शन करने पहुंचे कश्मीरी पंडितों ने मुस्लिम समुदाय द्वारा योगदान दिए जाने पर उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। जम्मू कश्मीर में कोरोना के 490 नए मामले सामने आए हैं, वहीं दूसरी तरफ 375 लोगों ने कोरोना वायरस को पिछले 24 घंटे में मात दी और स्वस्थ हुए। प्रदेश सरकार द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक पूरे जम्मू कश्मीर में अब तक 377 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित जिला श्रीनगर रहा, जहां कोरोना के 128 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अगर जम्मू संभाग की बात करें तो यहां 143 नए मामले सामने आए। तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर संभाग में 347 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 20,359 हो गया है। जम्मू संभाग के जिला डोडा के डीसी डॉक्टर सागर डी डायफोर्ट द्वारा रैपिड एंटीजन कोविड-19 टेस्टिंग किट को लॉन्च किया गया। ये रैपिड एंटीजन कोविड-19 टेस्ट किट कोरोना वायरस का पता लगाने में कारगर साबित होगी। वहीं आज इसका डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस डोडा में उद्घाटन किया गया, जहां 70 पुलिस कर्मियों के सैंपल लिए गए और सबके सब आधे घंटे में नेगेटिव पाए गए। इस रैपिड एंटीजन कोविड-19 टेस्टिंग किट आधे घंटे में ही परिणाम दे देती है, जबकि पहले वाली RT-PCR 5 से 6 दिन के बाद रिजल्ट बताती थी। इस रैपिड एंटीजन कोविड-19 टेस्टिंग किट से जिला डोडा के आवाम की जल्द टेस्टिंग और रिपोर्ट आ जा सकेगी। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी को बढ़ा दिया गया है। महबूबा मुफ्ती आने वाले 3 महीने और नजरबंद रहेंगी। मुफ्ती पिछले साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही नजरबंदी में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री की हिरासत के मौजूदा आदेश की अवधि इस साल 5 अगस्त को खत्म हो रही थी। गृह मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक मुफ्ती अपने आधिकारिक आवास फेयरव्यू बंगले में अगले 3 महीने और हिरासत में ही रहेंगी। इस बंगले को उपजेल घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टी पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के नेता सज्जाद लोन को 1 साल बाद नजरबंदी से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि पिछले साल 5 अगस्त को जब से कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया था, तब से सज्जाद लोन अन्य प्रमुख नेताओं के साथ नजरबंद थे। सज्जाद लोन ने ट्वीट किया, आखिरकार 1 साल पूरा होने के ठीक 5 दिन पहले मुझे बताया गया कि अब मैं आजाद हूँ। कितना कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं कि जेल का अनुभव मेरे लिए नया था, पहले भी जेल गया था तो शारीरिक शोषण बहुत होता था, इस बार गया तो दिमागी रूप से बहुत परेशान रहा। जल्द ही सब कुछ साझा करूंगा। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने सुरक्षा बलों को किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि पाकिस्तान घाटी में माहौल बिगाड़ने के लिए त्योहारों के समय नापाक हरकत करता रहता है, इसी को लेकर सुरक्षा बलों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। वहीं दिलबाग सिंह ने बकरीद पर्व के लिए की जा रही सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए श्रीनगर शहर के कुछ हिस्सों का दौरा भी किया। वहीं उन्होंने सुरक्षा बलों को निर्देश दिए कि शांति व्यवस्था प्रभावित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार में ठन गई है। बिहार सरकार ने महाराष्ट्र सरकार पर मामले में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ मुंबई पहुंची बिहार पुलिस की तफ्तीश जारी है। यहां पुलिस टीम को मुंबई पुलिस की ओर से वाहन तक नहीं मिलने की बात सामने आई है। इसे लेकर आज पटना में पुलिस अधिकारियों की अहम बैठक भी हुई। वहीं इस मामले में सियासी बयानबाजी भी जोरों पर हो गई है। चीनी सैनिकों के दुस्साहस पर नजर रखने के लिए अब ITBP और इंटेलिजेंस एजेंसियां बाज तंत्र पर काम करेंगी। गश्त के दौरान ITBP कर्मियों को इस तरह के उपकरण मुहैया करवाए जाएंगे, जिससे वे घाटी में बहुत नीचे तक की गतिविधियां साफ देख सकें। चाहे कैसा भी मौसम हो, इसका काम जारी रहेगा। इन्हें ऊंचाई वाले इलाकों में लगाया जाएगा।
इसके अलावा गश्त में लगे जवानों को कुछ खास किस्म के उपकरण मुहैया करवाए जा रहे हैं। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सचिव मुबाशिर उस्मानी ने कहा कि अगर सरकार मंजूरी देती है तो वो संयुक्त अरब अमीरात में होने वाले आईपीएल में स्टेडियमों को 30-50% तक दर्शकों से भरना चाहेंगे। इंडियन प्रीमियर लीग की तारीखों की घोषणा करते हुए इसके अध्यक्ष ब्रजेश पटेल ने पीटीआई से कहा था कि 19 सितंबर से 8 नवंबर तक होने वाले टी20 टूर्नामेंट के दौरान दर्शकों को मैदान में जाने की अनुमति देने का फैसला संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा लिया जाएगा। भारतीय सेना ने पाकिस्तान से सटी एलओसी पर स्थित अपने कई फॉरवर्ड पोस्टों पर अपने कमांडो तैनात कर दिए हैं। ये तैनाती उन सूचनाओं के बाद आई गई है जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी सेना एलओसी पर बॉर्डर रेडर्स के सदस्यों के जरिए कमांडो कार्रवाई को अंजाम देना चाहती है। बॉर्डर रेडर्स के नाम से जाने जाने वाले ये कमांडो पाकिस्तान के विशेष बलों के कर्मियों और आतंकियों का एक मिला जुला स्वरूप है। पिछले कुछ सालों से बॉर्डर रेडर्स भारत के कई सैनिकों की निर्मम हत्या कर चुके हैं।